अस्सलाम वालेकुम। आज जो है ना पीएसएल में एक मैच है सिर्फ, वो है मुल्तान सुल्तान और क्वेटा ग्लेडिएटर का। इंशाल्लाह मुझे लग रहा है कि मुल्तान सुल्तान जो है ना वो जीत जाएगा दोबारा। अगर उन्होंने रिजवान को काबू कर लिया फिर तो कोई चांस बनता है, लेकिन मेरी जो प्रेडिक्शन है वो है मुल्तान सुल्तान। और कल दो मैच हुए, एक मैच हुआ पेशावर और इस्लामाबाद का। मैंने कहा था पेशावर जीतेगा लेकिन इस्लामाबाद जीत गया, और उसकी वजह ये बनी कि पेशावर ने सिर्फ 168 रन बनाए थे और रदरफोर्ड ने 70 रन बनाए और किसी ने रन नहीं किए। और जब इस्लामाबाद आया तो उन्होंने 9 विकेटों से वो मैच जीत लिया, 172 रन कर दिए, वो भी सिर्फ 15.5 आवर में, क्योंकि उन्होंने सोहेल खान को लिया है किसी चवल के बच्चे को। उसको हर बॉल जो है ना वो 126 पर स्लो करता है, और जब हर बॉल स्लो होती है तो वो स्लो बॉलिंग होती, वो चेंजा पेस नहीं होती। उन्होंने 3 आवर में 45 रन दिए, 15 की एवरेज से उसने रन दिए जब सिर्फ 9 एवरेज उसको चाहिए था ना। तो अगर ऐसे रहेंगे तो ये मुझे नहीं लगता ये कि आगे कोई भी मैच जीत सकेंगे। अगर सोहेल खान जैसे बॉलरों को उन्होंने लिया, और दूसरा मैच था कि कराची और लाहौर का, मैंने कहा था कि लाहौर जीत जाएगा और लाहौर जीत गया। बड़ा क्लोज मैच था लेकिन लाहौर कलंदर ने 6 विकेटों से जीत लिया, और फ़ख्र जमान ने कमाल कर दिया। फ़ख्र जमान ने 106 रन बनाए सिर्फ 60 बॉलों पे। तो आगे देखते हो और क्या होता है।